व्हाट इज दिस सफेद बाल, ये तो बर्फ है। 2022 की शुरुआत हो गई है, परफेक्ट। एक मोजा, ये दूसरा मोजा और ये तीसरा मोजा। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर स्पेशल ब्लॉग इन अनदर ईयर। आई होप सभी के लिए 2021 बहुत अच्छा गया होगा। हाँ यार, मतलब बहुत बुरा साल था, लेकिन फिर भी ठीक है, एक अच्छे नोट पे ख़त्म करना चाहिए। कहते हैं यार, रिजोल्यूशन लेके उसके बाद तो उसको फॉलो करते नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, ले लेना चाहिए। क्योंकि क्या पता भाई, पूरे साल फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग के फेज़ में फॉलो करेंगे, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, वो भी बेटर है। क्योंकि टारगेट रखना चाहिए, जैसे मंथ ख़त्म हो रहा है तो जो हम काम करते जाते हैं 1 से 30 दिन तक, उसको अगर एक्युमुलेट करेंगे तो भाई वो बहुत बड़ा वो बन जाता है, मतलब इकट्ठा होने पे काफ़ी बड़ा चीज़ लगता है। हमने ये कर लिया महीने में, तो उस तरह करना चाहिए। तो 2022 को यार करते हैं स्वागत, तो हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। एक बार ना 30 या 1 मिनट के लिए आप अगर हंस भी नहीं रहे हो ना, तो यूं स्माइल कर को चेहरा बना लो उस तरह 30 सेकेंड तक, फिर आपके फेस पर मुस्कान आ जाएगी। ठीक, 2021 मेरे लिए बेस्ट क्यों था, मैं बताता हूँ यार। 2 जनवरी को ना मेरा था अपॉइंटमेंट और मैं गया था टेस्ट देने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट देने के लिए। मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था यार, अगर मैं फेल हो गया तो भाई मैं पूरे साल रिग्रेट कर सकता हूँ यार। 2 जनवरी को मैं फेल हुआ था, स्टार्टिंग मंथ में फेल हुआ था, इसलिए मेरा साल अच्छा नहीं गया। तो भाई मैं टेस्ट में पास हुआ, वहां से भाई मैं कह सकता हूँ मेरे लिए ये साल अच्छा गया। अच्छे नोट पे स्टार्ट किया था और ये साल अच्छा गया, इसलिए 2022 को भी यार अच्छे नोट पे स्टार्ट करेंगे। मेरा टारगेट यही है, मैं सामने जाके बहुत भागूंगा, आज बहुत भागूंगा, क्योंकि 5 महीने से भाग रहा हूँ तो मेरे अंदर वो कीड़ा है भागने का, तो मैं जाके भागूंगा और इस साल को बेस्ट बनाऊंगा। 2021 इसलिए भी बेस्ट था क्योंकि इस साल भाई मैं मिला था बॉलीवुड एक्टर से फर्स्ट टाइम, और फेमस यूट्यूबर से भी मिला था, और भी काफ़ी कुछ किया था। मैं अकेले ट्रैवल किया था, काफ़ी कुछ किया था यार। ये क्लिप देख लो, मैं छोटा सा वो क्लिप बनाया मैंने इस साल, ये रहा वो क्लिप। ये क्लिप कैसा लगा कमेंट करके बता देना। और यार ठंड में नहाने का मन नहीं करता, अभी जाके नहाना भी है, अभी तो धूप ले रहा हूँ, मस्त नहा के आता हूँ और फिर धूप में बैठ। हाय हाय, नजर न लगे, जिंदगी हो तो ऐसी हो। I did my job and it's all on mighty God. देखते हैं भगवान क्या करते हैं, इस साल भी अच्छा ही जाना चाहिए भाई। बाल सूखने, पानी सूखने के बाद तेल लगाना चाहिए भाई। भाई गाना कैसे है? हाय चक्का 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 चक है तू, हाय चक्का 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 चक हूँ मैं, हाय चक्का 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 चक है तू। भाई ये टी शर्ट इतना भाग गया ना मेरे को, मैं इसी को पहन के रहता हूँ। 2022 की शुरुआत हो गई है, परफेक्ट, अब आगे टिक लगाते जाना। आज जाने का तो विचार नहीं था यार, अभी मैं सो रहा था, फिर सोचा भाई सुबह तो बहुत लेक्चर दे रहा था, तो चल लेते हैं, भाग लेते हैं। आज भागूंगा तो बढ़िया रहेगा, दिमाग में रहेगा भाई 5 जनवरी को भागा था। तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। Hope everything will be fine. देखो आज मैं जल्दी आया ना, तो ये सीन दिखा सकता हूँ। मैं अपना साइकिल यहाँ पे लगाता हूँ और इधर रनिंग करता हूँ। ये 500 मीटर वाला ट्रैक है जो यहाँ पे ख़त्म होता है, फिर रनिंग करके आता हूँ, तो इस पे मैं करता हूँ पुलअप एंड देन यहाँ पे इंक्लाइन वाला पुशअप, और फिर अंदर जाके वही बाइक पुशअप, नॉर्मल पुशअप वगैरह। तो आज जल्दी आया तो मस्त रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ ना, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। और इधर से मेन गेट है, तो अब मैं अपने दोस्त को बुलाता हूँ, क्या नाम था, अतरंगी 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 आया, अतरंगी खिला रहा हूँ खिला रहा हूँ। अंदर क्यों भाग रहा है? अरे अरे मैं आ रहा हूँ, ठीक है खा लेना पूरा।
यार पार्क में आने में तो ठंड लग रही है यार। सुबह से मैं सोच रहा था ठंड नहीं पड़ रही, मैं पता है घबरा गया था मैं सुबह से। मैं सोच रहा था यार शाम को अगर काम वगैरह आ गया ना फिर मैं जा नहीं पाऊंगा, और मैं ये दिसंबर से प्लान बना रहा था 1 जनवरी को जाके भागने दबा के। यार पता है मैं ये प्लान इसलिए बना रहा था क्योंकि पिछले साल की बात है, जून जुलाई की बात है, विवेक और मैं हम दोनों गए थे उधर वाले पार्क में। तो वहाँ पे एक अंकल आए हुए थे, 60 साल थी उनकी उम्र, तो कह रहे थे वो मतलब हॉकी प्लेयर है, तो कह रहे थे 1 जनवरी को भागे थे 20 किलोमीटर। हॉकी प्लेयर थे आप? हाँ मैं हॉकी प्लेयर था, अब भी हूँ, मेरी गाड़ी खड़ी है, गाड़ी में हॉकी मिलेगी आपको 1 जनवरी को नए साल में। 21 किलोमीटर हो, 2 घंटा, 2.5 घंटा लगातार लगातार। उस दिन मिनिमम टेम्परेचर था, ये भी बता दूंगा, 1 जनवरी को हम लोग किस दिन शायद 5 या 6 जनवरी को। और उन्होंने बताया था भाई उस दिन बहुत ठंड पड़ रही थी और वो पसीने पसीने हो गए थे और कह रहे थे उनका मतलब तबीयत ख़राब होने वाली थी पर नहीं हुई। तो वही मेरे दिमाग में था यार, हम लोग पिछले साल 5 जनवरी को आए थे भागने के लिए पर 1 जनवरी को नहीं, तो आज मैं आ गया, आज 1 जनवरी है तो इसलिए मैंने टारगेट बना लिया था मैं 1 जनवरी को जाके भागूंगा। तो आज जितना हो सके ना उतना मेरे को भागना है, पसीना पसीना पूरा निकाल लेना है ताकि एक मोटिवेशन मिलेगा पहले जनवरी को आगे भागा। लेट्स स्टार्ट। अभी ना ज़्यादा किलोमीटर कवर भी नहीं किया और पैर में दर्द हो रहा है, शायद रेस्ट किया था ना उसके कारण। लेकिन आज पता है आज बहुत सारे बंदे भाग रहे भाई, न्यू ईयर रिजोल्यूशन। ओ भाई गजब, मैं डेली आता हूँ ना मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, मतलब डेली दिखने चाहिए सारे बंदे एक दिन भागने से क्या होता है। चार किलोमीटर कंप्लीटेड, 1 किलोमीटर और मारना है। Distance 5 kilometers. Duration 33 minutes 28 seconds. Pace 6 minutes 44 seconds per kilometer. 406 kilocalories burned. कंप्लीटेड, लेकिन यार नाखून है ना दर्द हो रहा है भाई उसमें। हाँ दिखाता हूँ जूता खोल के। 5 किलोमीटर कंप्लीट है, इसने बोला 33 किलोमीटर 33 मिनट में, चलो ठीक है। आज का पता है बेस्ट चीज़ मेरे को क्या लगा, आज न्यू ईयर आज का मेरे व्हाट इज दिस सफ़ेद बाल, ओ भाई ये तो बर्फ है यार, वो क्या स्नोफॉल है, ये गजब की चीज़ है यार। मैं कह रहा था आज का पता है बेस्ट चीज़ मेरे को क्या लगा, ट्रैक पे गजब के बंदे थे भाई, कोई इतना मोटा था किसी से पैर उठाया नहीं जा रहा लेकिन भागे जा रहे। वैसे मैं अपडेट देता रहूँगा इनका कितना दिन मतलब चलता रहे। और ये एक तो भाई पसीने आ गए ना उस पे, भाप निकल रहा है। मैंने ये जैकेट उतारा नहीं क्योंकि भाई ठंड में ये है ना ठंड लग सकती है, गर्मी है तो ठीक है मैं घर जाके उतारूंगा। जो सोचा था यार वो मैंने अचीव कर लिया, सोचा था 1 जनवरी को भागना है ज़्यादा, 5 किलोमीटर ठीक है यार मैंने अपना कोशिश किया, इससे भी ज़्यादा भाग सकता था लेकिन पैर में यार दर्द होने, वो नाखून में दर्द होने लग गया। अभी मैं जूता खोल के बताता हूँ क्या प्रॉब्लम हुआ, जूता खोल के दिखाता हूँ यार उंगली में बहुत दर्द हो रहा है। आप भी अभी देखोगे ना, एक चीज आप देखोगे तो बहुत हंसोगे यार, पर कोई नहीं ये चलता है इतना तो ठीक है। ये देखो एक मोजा, और अभी तो रुको ये दूसरा मोजा, ये क्या है, और ये तीसरा मोजा। अरे कहना क्या चाहते हो, अब सोच रहे हो क्या कमाल है भाई क्या आइटम है तू। लेकिन भाई मैं क्या बताऊँ, ये जूता है ना इसको मैंने खरीदा था 11वीं 12वीं में, उसके बाद मतलब 2019 में, हाँ नहीं 2018 के एंड में खरीदा था। तो ये बढ़िया जूता था यार उसी टाइम में मैंने लिया था क्योंकि मेरे को पता था मैं रनिंग करूँगा तो इसको पहन के कर सकता हूँ, मतलब दोनों काम आएगा स्कूल जाने में और रनिंग करने में। तो इसमें पता है क्या होता है, जैसे ये वाला एरिया है ना तो ऐसा ही अंदर भी है, अंदर से भी ऐसा ही है, तो मेरे क्या हो जाते हैं पैरों में, ये देखो यही दर्द कर रहा था आज, ऊपर का ये सब है ना ये दर्द कर रहा था
और इधर का ये उंगली, ये भाई ख़राब ही हो गया, इसके लिए मैं डबल डबल पहन के आता हूँ, क्योंकि जब वो होता है ना, मतलब भागने पे आगे पीछे, तो वही फ्रिक्शन के कारण यार ये अजीब से हो जाते हैं। तो इसी के लिए मैं एक एक मोज़ा यहाँ पे ऐसे चढ़ा के लाता हूँ, दूसरा पहन लेता हूँ उसके ऊपर से, तीसरा भी डाल लेता हूँ। इस पैर में भी सेम चीज़ है, ये देखो कैसा हो गया ये उंगली, भाग भाग के भाई साहब, ये जूता भी फट जाएगा ना, टूट जाएगा, फिर नया जूता लूंगा। जूता के बारे में बताओ, जैसे बहुतों के सवाल होते हैं जो बिगनर होता है ना उसके, भाई कौन सा शूज़ पहन के रनिंग करनी चाहिए? तो देखो दो तरह के होते हैं, एक में तो हील ज़्यादा होता है, इसमें मेंटेन है, हील ख़त्म भी नहीं है और ज़्यादा भी नहीं है। तो एक होता है ना जैसे हील बिल्कुल फ्लैट होता है, तो उस केस में क्या होता है, ये वाला जो एरिया होता है ना, ये काल्फ मसल और यहाँ पे एंकल, इसमें दर्द होता है, मतलब ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे आता है, फोर्स वगैरह यहाँ पे लगता है रनिंग करते टाइम, तो इसमें पेन होने लग जाता है। और जब ज़्यादा हील होता है ना, ज़्यादा हील वाला जूता, उससे क्या होता है, नी में पेन होता है। तो ये मेंटेन वाला लेना चाहिए, मतलब ज़्यादा हील भी ना हो और बिल्कुल भी हील ख़त्म ना हो, इससे क्या होगा ना, पूरा फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब आपको काल्फ मसल और ये यहाँ पे एंकल पे और इस पे भी दर्द ना होगा, नी पे भी। तो इसलिए इस तरह के जूते खरीदना चाहिए, मतलब जिसमें मेंटेन हो, सोल ख़त्म भी ना हो और सोल ज़्यादा भी ना हो। मेरे को लेना जूता ये भाई, इसको अब फेंकना है, पैर ख़राब हो गया भाई, तो मैं जूता लूँगा तो मैं यही जाके अब चेक वेक करूँगा। पहले तो यूँ ही खरीद लेते थे, चलो भाई इस कंपनी का ले लेते हैं, बढ़िया जूता है, पर नहीं, आज ना शरीर बिल्कुल फ्री लग रहा है भाई, जितने पार्ट है ना सारे खुल गए भाई, जिस दिन ज़्यादा मार लेता हूँ ना भाग, तो उस दिन ऐसा ही लगता है। अगर एग्ज़ाम में पूछे ठंड में दो बारी कौन नहाता है, तो नाम भाई मेरा आना चाहिए। पार्क में कुछ ज़्यादा ही भीड़, तो दिन में दोबारा नहा के मज़ा आ गया, और दो दिन, एक दिन दो बारी नहा लिया, मतलब दो दिन अब नहीं नहाऊंगा। ठंड में भाई यही करना चाहिए, सेव वाटर। कमेंट करके बताना ये डॉक्यूमेंट्री आपको कैसी लगी, ठीक है? सो बाय, स्पेयर लव एंड पीस।